हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब जो लोग आ गए हैं सेशन में, सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे सभी अपने स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, दिवाली का पर्व चल रहा है, आप सब जानते हैं। आज कल परसों लगातार 3 दिनों तक सब लोग व्यस्त रहेंगे। इस व्यस्तता होने के बावजूद हम लोग, स्पेशली मैं आपके साथ क्लास आज भी ले रहा हूँ। कल तो किसी कारणों से मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, और आगे भी मैं लेता रहूँगा, चाहे वो दिवाली हो या कोई फेस्टिवल हो। तो यदि टीचर इतना डेडिकेशन दिखा रहा है तो आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी उस डेडिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे सीखेंगे और आप भी उसी तरह जो है कि हमारा साथ देते हुए लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे। और उसके अलावा ज्वाइन करके क्या करेंगे भाई? तो ज्वाइन करके अपने एग्जाम में धारदार, अपने एग्जाम को धारदार बनाएंगे। दोस्तों, कई तरह की चीज़ें हैं इसमें। मैं आज क्यों ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कई तरह की चीज़ें हैं। आप देख रहे हैं आरक्षण बिल पहला, दूसरा बात की बहुत एग्जाम्स को लेकर अभी 69 बीपीएससी का रिजल्ट आया, आपने देखा कट ऑफ कितना हाई गया हुआ है। यदि निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद इतना कट ऑफ 91 point something चला जाना, इट्स अ बिग डील, आप इसको कम नहीं समझेंगे। इसका मतलब यह है कि बच्चे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। आप इस बात को समझिए कि आप बेशक जो है कि घर पे बैठे हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, अवेयर रहना और खूब मेहनत करना है। यही दिवाली अगले बार सरकारी नौकरी के साथ मनाइए, छोड़ दीजिए दिवाली वाली। मेरे हिसाब से तो दिवाली वगैरह सब चीज़ जो है वो तब अच्छा लगता है जब आपके पास सरकारी नौकरी हो। इन माई मीनिंग्स मुझे ऐसा लगता है ना। रश्मि मौर्य सर, इकोनॉमिक्स का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? बेसिकली मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ क्लास ले लेकर के कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट लूँगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो क्लासेस लूँगा, है ना। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाइए आप लोग, जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए सेशन को और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग शेयर कर देंगे। और दूसरा बात कि जो भी मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ, आज मैं बता दूंगा कि आपको इसका PDF कहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से आप ले लेंगे। मैं आज बता दूंगा, लास्ट के सेशन के लास्ट में बता दूंगा, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इसके PDF को डाउनलोड कर लेंगे, है ना। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चंस क्या है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है, बेसिकली पहला क्वेश्चंस मैंने 2-4 questions ऐसे जगह से उठाया है जो हमें लगता है कि इंस्पिरेशन के मामलों में स्टूडेंट्सों के लिए तो इंस्पिरेशनल हाउस है। हम सबको उनसे सीखना चाहिए, परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको आगे बढ़ना, विद्यार्थी को आगे बढ़ना उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसका एम होना चाहिए, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 15 अक्टूबर आप सब जानते हैं, पिछला ही महीना था 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का क्या महत्व है? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का इन चारों में से क्या महत्व है? क्या एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती मनाने के लिए, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना, शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, या दुनिया भर के प्रसिद्ध शिक्षकों को सम्मानित करना, इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व छात्र दिवस क्यों मनाते हैं, जल्दी से बताइएगा क्या उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो है कि क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ध्यान से बताइए क्या उत्तर होगा, बताएंगे क्या उत्तर होगा, जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा गुरु। ध्यान रखेंगे किसका है भाई 15 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसका है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको और क्या कहते हैं जल्दी से बता दो, इनको क्या कहते हैं भाई? कलाम। इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मिसाइल मैन, ये भी ध्यान रखना, क्या? मिसाइल मैन। और ये कौन से स्टेट से हैं? मिसाइल मैन ये कौन से स्टेट से आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से। कहाँ से जी? तमिलनाडु से। इन सबको आपको ध्यान रखना है, ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। करंट का आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि करंट के आसपास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो बी अवेयर, है ना, बी अवेयर एंड डू द बेटर फॉर। हाँ चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्या थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक ही तो थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ए इज द राइट आंसर। ये कौन थे भाई 15 अक्टूबर को जिनका बर्थडे मनाया हम लोगों ने, वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत में, और जब ये राष्ट्रपति रहे थे तो 2 प्रधानमंत्रियों का टेन्योर रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह भी और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? मैंने भी आपको बताया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म
कौन से स्टेट में हुआ है? आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बताइए क्या उत्तर होगा? कहां हुआ है भाई, जल्दी बताइए कहां हुआ है इनका जन्म? बताएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के कहां? रामेश्वरम में भाई, जगह का नाम याद रखिएगा, कहां? रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम में हुआ है। और बताइए तिथि भी बता दीजिए लगे हाथ, 15 अक्टूबर तो मैंने बता दिया है, तिथि क्या है? 15 अक्टूबर 1931 ध्यान रखिएगा, जिस जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी हिस्सा लिए थे, है ना, उसी साल इनका जन्म हुआ है, 15 अक्टूबर 1931। ध्यान रखना दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब भी ऐसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा जहां से क्या होता है मेरे भाई, अच्छा मृत्यु कब हुई है ये भी बता दीजिए, मृत्यु, मृत्यु कितने लोग बताएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, मृत्यु का कब हुआ था? 27 जुलाई 2015, ये भी याद कर लेंगे, 27 जुलाई 2015, इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी, जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ, और ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से आते हैं। बेसिकली जब इनका जन्म हुआ 1931 तो ये तमिलनाडु राज्य नहीं था, बल्कि इसका इसका नाम रामानाथपुरम बोलते थे इसको, क्योंकि ये उस वक्त ब्रिटिशों के चंगुल में था, है ना, 1931 में ब्रिटिश हमारे देश पर शासन कर रहे थे, इस जगह का नाम मतलब इस इलाके का नाम, इस साम्राज्य का नाम रामानाथपुरम था, लेकिन भारत में अभी जो राज्य है उसका नाम तमिलनाडु है, उसके अंतर्गत ये रामेश्वरम जगह आता है जहाँ पे उनकी जहाँ उनका जन्म हुआ था, बेसिकली 15 अक्टूबर को जन्म हुआ था। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि रामेश्वरम में मंदिर के सामने ये प्रणाम किया करते थे, किस पे होते हुए भाई, ये मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का बहुत सम्मान करते थे, आप सब जानते हैं, है ना। चलिए बहुत बेहतर सर, मुझे टाइम आपका और रजनी सर का पता नहीं चलता, एकदम बस आप पढ़ते रहिए, टाइम के चक्कर में मत रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जरा एक बार सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग और शेयर कर देंगे सभी अपने स्टडी ग्रुप में, है ना। बहुत बेहतरीन सेशन ये करंट अफेयर्स का है, आज मैं आपको बता दूंगा कि कहां आपको क्या करना है, कहां से पीडीएफ आपको मिलेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा अब अगला क्वेश्चन 6 to 8 में इकोनॉमिक्स आएगा सर, आएगा बिल्कुल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रपिता, भारत का मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, जादूगर, दूरदर्शी नेता, बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से, मैं बता भी चुका हूं वैसे। चलिए देखिए हो गया, कहां से भाई इसको, इनको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया भारत का मिसाइल मैन, मैंने बताया आपको भारत का मिसाइल मैन, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, बेसिकली रामेश्वरम में, 15 अक्टूबर 1931 को, मृत्यु 27 जुलाई कब हुआ? 2015। अगला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस बस भारत के राष्ट्रपति रहे हैं जल्दी से बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब भारत के राष्ट्रपति रहे हैं गुरु, बताओ जल्दी उत्तर बताओ, कब रहे हैं, कब रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, जल्दी एक एक का उत्तर चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये 41 लोग ही जवाब दे रहे हैं, बाकी और लोग क्या कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दिवाली मना लीजिएगा, सिलेक्शन के बाद मनाइएगा, यकीन मानिए वो दिवाली अलग होगी जब सिलेक्शन के बाद मनाइएगा तो, है ना। चलिए ध्यान देंगे, कब रहे हैं? 2002 से 2007 तक, और इस टेन्योर में 2 PM हुए हैं, कौन कौन? एक व्यक्ति का नाम है क्या, अटल बिहारी वाजपेयी, आप जानते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बिहारी वाजपेयी, और दूसरा कौन रहा है भाई, ध्यान रखेंगे, दूसरा रहे हैं कौन, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह जी, ये दोनों लोग रहे हैं, दोनों को याद रखेंगे, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, इन दोनों के टेन्योर में ये रह चुके हैं क्या राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर देंगे और आज से पीडीएफ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दम है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से करेंगे।
है ना, बताइएगा कि हाल ही में कौन सी ऐसी दो कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने किस चीज में ऐड कर दिया है, महारत्न में ऐड कर दिया है, बताइएगा। उद्यमों में कौन सी ऐसी दो उद्यम है जिसको नवरत्न में, सॉरी नौ महारत्न नहीं बल्कि नवरत्न में ऐड कर दिया गया है, बताइएगा। भारत में ऐसी कौन सी रिसेंटली दो कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने नवरत्न में ऐड कर दिया है या ऐड करने की बात कही है, बताइए क्या उत्तर होगा। 116 लोग जो ONGC और BHEL, दूसरा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, सेल और गेल, कोल इंडिया लिमिटेड एंड NTPC, मतलब इन चारों में से दो ऐसी कंपनियों का नाम बताइए जिसके लिए भारत सरकार ने यह कहा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसपे सरकार का भी क्षेत्र, सरकार का अधिकार ज़्यादा होता है, साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी थोड़ा बहुत अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी ही होता है वैसे, लेकिन उन दोनों को नवरत्न, यानी भारत सरकार अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों को नवरत्न और महारत्न और महारत्न में रखती है। इनमें से दो ऐसी कंपनी है जो नवरत्न में नहीं आती है, भारत सरकार ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है कि उन दोनों को नवरत्न में ऐड कर देंगे, बताइए कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे इसका नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड है, और इन दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से। भारत सरकार की दो ऐसी कंपनियां हैं जिनको रिसेंटली क्या कर दिया गया, ध्यान रखेंगे, राइट्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को नवरत्न में ऐड करने की बात कही गई है, ठीक है गुरु। जरा सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोग, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्या आप लोग दिवाली मनाने में लग गए हैं, दिवाली सिलेक्शन के बाद मनाना गुरु, पहले नहीं, है ना, नहीं तो दिवाली के चक्कर में रह जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीख लीजिए, BPSC 69 का रिजल्ट आया है और मेरे दोस्त उसमें इतना अच्छा कट ऑफ गया, इतना हाई कट ऑफ गया है कि सोचने लायक है। तो बी अवेयर, मैं बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो जाइए। भारत किस वर्ष ओलंपिक खेल की मेजबानी करना चाहता है, याद रखिएगा 2036 में। भारत कौन से साल ओलंपिक खेल की मेजबानी करना चाहता है, 2036। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं गुरु, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग। आया अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप जानते होंगे, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, वैश्विक आर्थिक विकास को ट्रैक करने के लिए, वैश्विक स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए, कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक गरीबी की दर की गणना करने के लिए। बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि स्टेट्स में कितने लोग गरीब रह जाते हैं, और उसके बिहाफ पे कि जिसमें सबसे कम लोग गरीब रहते हैं उसको सबसे ऊपर, जिसमें ज़्यादा लोग गरीब रहते हैं, भूखे रहते हैं, हंगर भूखे रहते हैं, उनको नीचे, इसी पे उस इंडेक्स को सजाया जाता है, इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें GHIs को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बेसिकली इस तीनों में से कौन सा मेन माप रखा जाता है, क्यों इस डेटा को बनाया जाता है, बताइए क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, वैश्विक स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए कि कितने लोग कहाँ भूखे रह जाते हैं, उसी हिसाब से किस देश की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम जानकारी करने की बात करते हैं। आप जानते हैं कि भारत का स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, है ना। चलिए अगला, इंडिया 111 रैंक पे है, है ना, बिल्कुल, है ना, धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2023 में GHI रिपोर्ट में प्राप्त डेटा वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। वैसे मैंने अभी उत्तर बता दिया है, GI यानी GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है, कहाँ है, कितने नंबर पे है, आप सबको मैंने अभी बताया, क्या उत्तर होगा इसका, 111 नंबर पे। ध्यान रखेंगे इसका उत्तर 111 नंबर पे है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे इस स्थिति को बहुत बेहतर नहीं कहते हैं, ये बहुत खराब स्थिति है 111 पर होना। हालांकि भारत सरकार कहती है कि GHI की रिपोर्ट लेने वाले संस्थान हमारे पास से बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं ले जाते हैं, इसलिए ऐसा ये बता रहे हैं। खैर चलिए, बट आपको रिपोर्ट का आंसर याद करते रहना है। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा, 2028 की जो ओलंपिक होगी उसमें क्रिकेट कौन से प्रारूप में खेला जाएगा, टेस्ट प्रारूप में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI, आप जानते होंगे ODI के प्रारूप में, T20 के प्रारूप में, T10 के प्रारूप में, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। आप जानते हैं यदि बात किसकी हो रही है, बात ओलंपिक की हो रही है तो कुछ तो यूनिक करेगा ही। ये तीनों तरह के आप खेल को पहले से देखते आ रहे होंगे भारत में, एक अलग तरीके का होगा जिसको T10 कहा जाएगा, और जो ओलंपिक में पहला बार क्रिकेट खेला जाएगा, कब खेला जाएगा, 2028 में, उसमें क्रिकेट को T10 की तरह, मतलब 10 ओवर का होगा, बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, 10 ओवर का होगा, है ना, 10 ओवर
के खेल की तरह स्टार्ट करेंगे हम लोग ओलंपिक में, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सभी लोग भाई लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? महिला श्रम बल भागीदारी का मतलब यह होता है कि महिलाओं ने श्रम के मामलों में कितनी भागीदारी इस देश में बढ़ाई है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। 2%, 3%, 4.2% और 6%, बताइएगा क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? महिलाओं ने श्रम के मामले में कितनी अपना योगदान बढ़ाया है, जल्दी से बताएंगे। इस साल जो वृद्धि दर हुआ है महिला के श्रम बल में वो है 4.2%। कितना भाई? 4.2%, ध्यान रखेंगे 4.2% इज द राइट आंसर। अर्थात ये कि महिलाएं बढ़ चढ़ करके श्रम के मामलों में भी योगदान दे रही हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर, इन सब में तो रिजल्ट इनका बेहतर हो ही रहा है और श्रम के मामले में भी ये बहुत तेजी से आगे बढ़ के समाज में योगदान दे रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है? वर्तमान मैं इसीलिए नहीं बताया हूं वहां पे क्योंकि हमें पता था, आगे मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर रखा है। भारत में वर्तमान में महिला बल श्रम बल भागीदारी दर क्या है? 40%, 37%, 45% या 40%, बताएंगे। भारत में अभी हमने क्या कहा, कितना बढ़ा है? 4 पॉइंट, कितना था पिछला क्वेश्चन में बता दो, 4 पॉइंट। अभी मैंने आपसे बताया कि 4.2% इनकी भागीदारी में वृद्धि हो गई है, जितना ये पहले से भागीदारी समाज में देती थी उसमें 4.2% वृद्धि हो गई है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी भारत में श्रम के मामले में महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट है, तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा 37%। कितना? 37%, यानी इसके पहले लगभग 32.8% भागीदारी हुआ करता था और इस साल वृद्धि होकर 4.2% और यानी कितना हो गया, ये 37% के आसपास वृद्धि कर रहे हैं, बल्कि इनकी भागीदारी है। समझ रहे हैं, 37% कम आंकड़ा नहीं होता है, आप 50-50 पे जा रहे हैं, बहुत बेहतर बात है। अंबेडकर कहते थे यदि महिलाओं के शिक्षा में उत्थान हो तो समाज का कल्याण होगा, और बहुत बेहतर बात है, बहुत बेहतर बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अच्छा संकेत है समाज के लिए, बहुत बेहतर संकेत है। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। बेसिकली भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय जो स्कीम भारत ने शुरू किया था, इन चारों में से किस उद्देश्य के साथ भारत ने प्रारंभ किया था, बताएंगे क्या था इसका उत्तर, किस पर्पस से भारत ने ऑपरेशन अजय को स्टार्ट किया था, तो देख लेंगे। इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापसी की सुविधा, यूके के भारतीय नागरिकों का समर्थन, अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। देखिए कभी किसी भी नागरिकों को समर्थन के लिए कोई ऐसे स्कीम्स को नहीं लाया जाएगा, इसको मत मारिएगा। चिकित्सा हम क्यों भाई अफ्रीका में देंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता करना, संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो क्यों सहायता करेंगे, ये भी गलत। यदि आप एलिमिनेशन भी मेथड पे देखेंगे तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इजराइल से भारतीय नागरिकों को क्यों वापसी की सुविधा के लिए बल्कि भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, NHRC, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यही है ना, ह्यूमन राइट कमीशन, अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, यदि मानव के अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो NHRC, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, केंद्र में NHRC काम कर रहा होता है, स्टेट में SHRC जिसको कहते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये दोनों काम कर रहे होते हैं और ये दोनों ये आपस में मिलके तालमेल मिला के काम करते हैं। किसी मानव के अधिकार के खिलाफ सरकार, स्टेट या सेंट्रल जाती है तो ये दोनों आ जाते हैं बीच में और आकर के मानव को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा किस तिथि को मनाते हैं, याद रखिएगा ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डे जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत डिटेल इसलिए नहीं कर रहे हैं जो आपके काम का नहीं है। भारत में NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है NHRC, जिसको हम लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों काम कर रहा होता है भारत में,
क्या चुनाव कराना, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, मीडिया को विनियमित करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आप नाम से ही आपको लग रहा होगा कि मानव अधिकार आयोग है। मानव अधिकार आयोग का मतलब ये होता है कि मानव के अधिकारों का संरक्षण करना और मानव को उनका अधिकार दिलाने के लिए, है ना, तत्परता रहना, सरकार के खिलाफ जाना, सरकार के को बताना, अवेयर कराना, अर्थात इसका उत्तर मानव अधिकार के बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, और उनकी रक्षा करना, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए, 12 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार आयोग को लेकर केंद्र और राज्य में दो ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक केंद्र में होता है, इसको NHRC बोलते हैं, स्टेट में जो होता है उसको SHRC बोलते हैं, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र मुंबई भारत में कब आयोजित होने वाला है, यानी किस तिथि को ये 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मीटिंग भारत में बैठने वाला है। 12 से 14 अक्टूबर 2023, 14 से 17 अक्टूबर 2023, 15 से 17 अक्टूबर 2023 या 14 से 16 अक्टूबर 2023। बहुत ही देख रहे हैं कन्फ्लिक्टेड डेटा है, ये बहुत नियर बाई डेटा है और ये बेसिकली दिया हुआ है कि कब आयोजित होने वाला है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, बाकी कब आयोजित हो चुका है, प्रश्न ये होना चाहिए। बताएंगे कब आयोजित हो चुका है। जब हम बात अक्टूबर की कर रहे होते हैं तो अभी हम नवंबर में पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन उठाया गया है, इसलिए जो है कि क्या है उनने ऐसे बना दिया है। याद रखेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2023 को ये मीटिंग हुई थी भारत में। कब हुआ था भाई, ध्यान रखेंगे कब, तो याद रखेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। चलिए अगला प्रश्न या क्वेश्चन ये डेट के अलावा ये पूछ देगा कि 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मीटिंग भारत में कौन से जगह पे हुआ है, तो भी उत्तर आपको ध्यान रखना है, क्या मानना है, मुंबई में। कहाँ हुआ है, मुंबई में। क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, या ऐसे पूछ देगा कि 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मीटिंग विश्व के कौन से देश में हुआ है, तो भी ध्यान रखना है, भारत में। कई तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जिसकी मीटिंग की बात अभी हम कर रहे थे, इसके अध्यक्ष कौन है बताइएगा। क्या थॉमस बॉक है, व्लादिमीर पुतिन है, सी जिनपिंग है, इमैनुअल मैक्रॉन है, ये बताइएगा इन चारों में से कौन है। बताएंगे कौन है इन चारों में से, तो ध्यान रखिएगा दो तो इसमें राष्ट्राध्यक्षों का नाम है, यदि आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो दो राष्ट्राध्यक्षों के नाम है। बताएंगे क्या उत्तर होगा इसका, ध्यान रखेंगे थॉमस बॉक। क्या भाई, थॉमस बॉक है। जितने लोग इस करंट अफेयर के सेशन को देख रहे हैं उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और उसके साथ अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को देखें, एंजॉय करें, है ना। यदि मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ तो बहुत होप के साथ आता हूँ कि आप सब हमारे सेशन को एंजॉय करेंगे, है ना, और उससे फ़ायदा होगा आपको, है ना। तो सेशन को आप सब लाइक कर देंगे और शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए ताकि हम लोग को ये पता चले कि कैमरा के पीछे बैठे हुए आप लोग हमको देख के आप हमारे कंटेंट को पढ़ के हमसे फायदा उठा रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2023 में है उसका बेसिकली अब बालिका दिवस का थीम क्या है, थीम विषय बोलिए या थीम कहिए, थीम भी कह सकता है, बताइए क्या उत्तर होगा। उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, गर्ल्स यूनाइटेड, समानता का मार्ग, महिलाओं की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। 2023 में देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऐसे स्टेप्स को उठाए जाते हैं। और ये जानते हैं क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करना, अधिकारों के ऊपर यानी इनके अधिकारों में निवेश करने का मतलब है कि प्रमोशन करना, इनके बारे में बताना कि तुम्हारा अधिकार यहाँ से नहीं यहाँ तक है, और दूसरा हमारा नेतृत्व लड़कियाँ करें, हमारा कल्याण लड़कियों के इम्प्रूवमेंट से होगा। ये इंटरनेशनल थीम था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का ये थीम था और इसको प्रमोशन करने के लिए हम लोगों ने इस थीम को रखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समय कम है और क्वेश्चन को उन्हीं समय के दायरे में रहकर हम लोगों को करना है। हांगझोऊ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली सिप्त कौर जिसने गोल्ड मेडल जीता है, है ना, सिप्त कौर सामरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, इन्होंने जो हांगझोऊ चीन में
एक खेल चल रहा है जिसको 19वां एशियाई खेल कहते हैं, आप जानते हैं एशियाई खेल को, उसमें गोल्ड मेडल जीत के लाई है भारत की एक लड़की जिसका नाम है सिप्त कौर सामरा। निम्न में से इन चारों में से कौन से खेल से जुड़ी हुई है वो? तीरंदाजी से, पाल नौकायन से, घुड़सवारी से या निशानेबाजी से? बेसिकली जब आप शब्द को देख रहे होंगे, जब आप शब्द को देख रहे होंगे तो आपको लग गया होगा कि वो स्टेट से सिप्त कौर सामरा जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब से रिलेटेड होंगी, है ना? ये तो आपको लग ही गया होगा। बताइएगा कहाँ से, कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी से बताइए। कमेंट में देख रहा हूँ, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, आपको पता होगा। बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, शूटिंग से, निशानेबाजी जितने लोग कह रहे हैं सही उत्तर है, ये निशानेबाजी में जीत के लाई हैं सिप्त कौर सामरा गोल्ड मेडल 19वें एशियाई गेम में जो चीन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है मित्र? चीन में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए, जब मैं बोल रहा हूँ सब फैक्ट्स बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। शहरी नवाचार में सबसे आगे 100 स्मार्ट शहरों का, शहरी नवाचार में सबसे आगे 100 स्मार्ट शहरों का दो दिवसीय इंडियन स्मार्ट सिटी कन्क्लेव 2023, है ना, दो दिवसीय स्मार्ट सिटी कन्क्लेव 2023 जो 2023 हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के कौन से शहर में। आसान तौर पर प्रश्न ये पूछेगा कि दो दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है तो जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। बताएंगे इन चारों में से क्या उत्तर होगा, कौन से शहर में किया गया है। ओ शहर को हिंट देते हुए मैं कह रहा हूं कि वो शहर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। बताएंगे क्या उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ फॉर अ टीचर। इंदौर इज द राइट आंसर, आप जानते हैं इंदौर को स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है, भारत के और विश्व के स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है, हालांकि भारत के स्वच्छ शहरों में टॉप पे रहता है, विश्व के स्वच्छ शहरों में से भी एक माना जाता है। बात जानते हैं आप इस बात को, जरा ध्यान रखेंगे। चलिए, जितने लोग हमें देख रहे हैं सेशन को, आपसे विनम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कितने लोग हमें ये इस बात का कंसेंट दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि आज मैं 50 करंट अफेयर्स कराऊं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो 600 लोग देख रहे हैं सबका कमेंट होना चाहिए, 600 लोग में 600 मैं कमेंट काउंट करवा रहा हूं बैठ के। बताइएगा 600 कमेंट आएगा सर आज 50 क्वेश्चन होना चाहिए 30 के बजाय, तो मैं 50 लेके चलूंगा। चलिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है बनने के बाद अब राज्य टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है, यानी ओवरऑल प्रश्न ये पूछ रहा है कि नया टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, उसके बनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व सेंटर कितने हो गए, 6, 7, 8, 9 कितने हो गए भाई, बताइए कितने हो गए। तो ध्यान रखिएगा, पहले से मध्य प्रदेश में लगभग 6 टाइगर रिजर्व थे और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने के बाद इसकी संख्या 7 हो गई है, कितनी 7 हो गई है, ध्यान रखेंगे, समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और 50 होना चाहिए, बहुत लोग का उत्तर। चलिए आज 50 क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, मैं पूरा 50 क्वेश्चन कराऊंगा और आज लास्ट में पीडीएफ भी देने की बात बता दूंगा कि पीडीएफ कहां दूंगा, है ना, पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको। आइए, हाल ही में मध्य प्रदेश में बने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लगभग 141 है ना 400 हेक्टेयर वन, मतलब ये टोटली हेक्टेयर है ना, इस ये हेक्टेयर का नाम है 141400, काउंट कर लीजिए, 1,10,000,1,41,400 हेक्टेयर वन क्षेत्र विस्तार में मुख्यतः राज्य के निम्नलिखित में से कितने जिलों को शामिल किया गया है। बेसिकली प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें कितने स्टेट इन्वॉल्व हैं जो अभी मध्य प्रदेश में महारानी दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती है ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना हुआ है, कितनी डिस्ट्रिक्ट जो 141400 वर्ग किलोमीटर के अंदर हेक्टेयर वन क्षेत्र के अंदर आ रहा है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, बरवानी, खरगोन, धार, पन्ना, सतना, छतरपुर, मांडला, डिंडौरी और बालघाट। बताइएगा क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं, दमोह है, सागर है और नरसिंहपुर है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को ऐड करने के बाद 141400 हेक्टेयर के वन क्षेत्र को देखते हुए वहां पे टाइगर रिजर्व बनाया गया है, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तीनों जिला का नाम याद कर लीजिए क्योंकि टाइगर रिजर्व से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, है ना, आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित
किस पूर्व अधिकारी को सेवा विस्तार देकर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है? इन चारों में से किस पूर्व अधिकारी को सेवा विस्तार देकर, यानी उनका डेट जो था रिटायरमेंट का था लेकिन उनके सेवा को विस्तार कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और दोबारा प्रधानमंत्री का आर्थिक प्रधानमंत्री का सलाहकार पीके मिश्रा, अजीत डोभाल, पुण्य सलीला श्रीवास्तव या अमित खेर, इन चारों में से किसका डेट खत्म होने के बाद, डेट खत्म का मतलब ये होता है कि वो अब अपने ड्यूटी पीरियड से क्या हो गए थे, ड्यूटी पीरियड से निलंबित होने का, रिटायर होने का वक्त आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनके ड्यूटी पीरियड को एक्सटेंड किया और फिर दोबारा प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया। ध्यान रखेंगे ये अमित खरे हैं, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार पहले भी रहे और दोबारा इनका एक्सटेंशन दे करके है ना और किया गया है, दोबारा बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ लोग अजीत डोभाल बोल रहे हैं, भाई अजीत डोभाल वो सलाहकार हैं लेकिन डिफेंस मामले में। चलिए अगला प्रश्न। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023, वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस शहरों में आयोजित किया जा रहा है? इरोड, निजामाबाद, कोझिकोड, मुंबई, इन चारों में से पहला हल्दी सम्मेलन यानी पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन विश्व के कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है? बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा भाई इसका उत्तर, विश्व के कौन से शहर में, जल्दी उत्तर बताएं आप लोग। और क्या करिए आज जानते हैं, और मैं दो क्लास लेने वाला हूं आज लाइव, इसलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी को जो है सेव करके रख रहा हूं। दो क्लास और लूंगा, एक जीके जीएस का लूंगा और एक एसएसटी का लूंगा, दो क्लास और लेने वाला हूं मैं, ठीक है? बताइए क्या उत्तर होगा भाई, मुंबई, ध्यान रखिएगा मुंबई में वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में। जितने लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक जाए। और देख रहे हैं 600 लोग, लाइक है 434, इसको तुरंत 600 पहुंचा दीजिए ताकि जब आप लाइक करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है यूट्यूब। तो ना बेसिकली होता क्या है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाता है तो जिनको फ़ायदा है वो देख सकते हैं, जिनसे जिनको बेनिफिट हो सकता है ना, और कोई लालच नहीं और कोई ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ बात नहीं है, अदरवाइज यदि अच्छा ना लग रहा हो तो मत लाइक कीजिए, हम ये भी कह रहे हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है? मतलब सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इन चारों में से किसको, दो गांव हैं जिनको चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। ये दोनों कौन से स्टेट से आते हैं प्रश्न ये पूछ रहा है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। और ऐसा प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा मैं कह रहा हूँ आपसे, ऐसे प्रश्न पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिसमें किसकी बात की जाती है, कोई गांव को पर्यटन लेवल के लिए, बहुत अच्छी बात है ना, भारत गांव का देश माना जाता है और ये तेलंगाना के हैं दोनों गांव, कहाँ के हैं भाई, तेलंगाना के, तेलंगाना एक नया स्टेट है आप जानते हैं, और तेलंगाना के दो गांवों को हमने मतलब सबसे बेहतर पर्यटन स्थल, पर्यटन गांव के तौर पे नियुक्त किया है, हमने नहीं बल्कि सरकार ने। आइए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती खुशहाल खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? यानी प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने इन चारों में से मोबाइल वैन कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा मोबाइल वैन कार्यक्रम स्टार्ट किया है? राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने और तेलंगाना ने, चार स्टेट के नाम है, इन चारों में से किसने मोबाइल वैन प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ फार्मर्स है ना, यानी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत, इन चारों स्टेट में से कौन है, क्या राजस्थान है, क्या हिमाचल प्रदेश है, क्या महाराष्ट्र है, क्या तेलंगाना है, बताइए क्या उत्तर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं अभी तेलंगाना, इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश HP होगा, हिमाचल प्रदेश ने, किसने भाई, तो हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले है ना स्टार्ट किया है, किसने भाई, हिमाचल प्रदेश ने, ध्यान रखना गुरु, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, और आप सबसे उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु को हाल ही में खाद पशु का टैग दिया गया है? इन चारों में से कौन पशु को हाल फिलहाल खाद पशु का टैग दिया गया है, फूड एनिमल टैग दिया गया है किसको? तो ध्यान रखेंगे पूर्वोत्तर भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ऐसा किया है, तांगसा को, वांचो को, पिग्मी हॉक को, मिथुन को, इन चारों में से कौन से पशु को किसका टैग दिया गया है,
खाद पशु को, बेसिकली ये पूर्वी भारत के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों से संबंधित है और इसी को गांव ग्रामीण क्षेत्र के और उस पूर्वी भारत के किसानों को लाभ पहुंचा, लेकिन ये ऐसा सरकार ने खाद पशु यानी फूड एनिमल टैग दिया है। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा, क्या उत्तर होगा भाई बताइए। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, देखते हैं। विद्या कुमारी, सुनील कुमार, है ना, इनका उत्तर बिल्कुल सही। एम के आशुतोष नारायण गलत है, पुष्पा जी गलत है आपका, बहुत लोगों का उत्तर संगीता सही है। चलिए बहुत बेहतर, आप सबका उत्तर आ रहा है मिथुन को। देखिएगा मिथुन राशि नहीं भाई, ये मिथुन है, है ना, मिथुन को खाद्य पशु फूड एनिमल टैग दिया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन, G77 प्लस चाइना सम्मिट निम्नलिखित में से कहां आयोजित हुआ है, क्यूबा में, फ्रांस में, चीन में, इटली में, बताओ जल्दी भाई। सम्मेलनों का दौर है इससे प्रश्न पूछेगा, सम्मेलनों का दौर है इससे प्रश्न पूछेगा। सम्मेलन लगातार भारत में हुए हैं और जब सम्मेलन खूब लगातार होता है तो प्रश्न पूछता है गुरु, बताओ क्या उत्तर होगा। G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन इन चारों में से कहां हुआ है, तो ध्यान रखना क्यूबा में भाई, क्यूबा में, क्यूबा इज द राइट आंसर, क्यूबा में हुआ 77 चीन शिखर सम्मेलन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। हरित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित भारत की पहली बस की शुरुआत हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है, हरित हाइड्रोजन ईंधन से शुरुआत होने वाली पहली बस भारत के कौन से शहर में किया गया है, इंदौर, नई दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, इन चारों में क्या उत्तर होगा बताओ, इन चारों में क्या उत्तर होगा, कौन से शहर में सबसे पहले क्या किया गया है, हरित हाइड्रोजन ईंधन से बसों को चलाने का प्रयास किया गया है। आप जानते हैं इसके मामले में केजरीवाल जी बहुत फेमस हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, है ना भाई, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया अगला। अब तो बिहार में भी ये प्रयास किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर स्टार्ट कर दिया गया है, हरित हाइड्रोजन के मामले में भी हमने सुना है कि बिहार सरकार इस पे काम करने का शुरुआत कर रही है, हालांकि इसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, खर्च बहुत ज़्यादा है, होना इतना आसान नहीं है, फिर भी चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई खेलों में 13 वर्षों के बाद निम्नलिखित में से किस खेल को फिर से वापिस आधिकारिक वापसी हुई है, 13 वर्षों के बाद एशियाई खेलों में किसकी वापसी हुई है, गोल्फ, रग्बी, शतरंज और पोलो, बताओ भाई 13 वर्षों के बाद कौन सा ऐसा खेल है जो कहा जाता है कि 13 वर्षों से बैन था, भारत का एक व्यक्ति उसमें बहुत पारंगत है, जानते होंगे वो कौन सा खेल है, शतरंज। चेस को एशियाई खेलों में ऐड नहीं किया जाता था, 13 साल के बाद इसको फिर से चेस को एशियाई खेलों में ऐड कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में 15 जनवरी को आयोजित होने वाले 76 सेना दिवस, जो 15 जनवरी को 76 सेना दिवस हो रहा था, आयोजित हुआ है, कि परेड में निम्नलिखित में से किस शहर में कराने का निर्णय लिया, इन चारों में से जो 76वें सेना दिवस का जो परेड होगा 2024 में 15 जनवरी को, इन चारों में से कौन से शहर में कराने का, बेसिकली पहले दिल्ली में होता था लेकिन सरकार ने कौन से शहर में कराने का डिसीजन लिया है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और आगरा, बताइए। ये क्वेश्चन हिस्टोरिकल है, ये बेहतर क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सब जानते हैं कि सेना का परेड कहाँ, तो न्यू दिल्ली में होता था, लेकिन 15 जनवरी 2024 को सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार जो सेना का परेड होगा 76वां परेड कब, 15 जनवरी 2024 को, वो लखनऊ में होगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ भाई, लखनऊ में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, यूपी के लखनऊ में कराने का डिसीजन लिया गया है, है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। वांग हू चीन में ही, आप जानते हैं नाम देख के ही आपको लग गया होगा वांग हू की बात हो रही है, चीन में, तो वांग हू जो है चीन में आयोजित एशियाई खेल 2023 में से भारत के खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए के साथ किस टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वांग झू में चीन में आयोजित एशियाई खेल 2023 में भारत के खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक तो जीता ही है, जीतने के साथ किस टीम स्पर्धा में विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है, तैराकी में, जिम्नास्टिक में, राइफल शूटिंग में या तीरंदाजी में, इन चारों में से भारत के खिलाड़ियों ने गोल्ड पदक के साथ साथ किसमें अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, बताइएगा, बहुत ही बेहतर आंसर होगा इसका, बताएंगे। यूटी सिंह सर जी, मिशन 50 पे टेस्ट सीरीज,
अच्छा चलिए टेस्ट सीरीज होगा। ध्यान दीजिएगा राइफल शूटिंग में किस चीज में भाई, राइफल शूटिंग में भारत ने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है, गोल्ड मेडल तो लाया ही है, लेकिन अपने वैश्विक स्पर्धात्मक देश जापान चाइना इन सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ा है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 32। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती 25 सितंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिवस इनको क्या कहते हैं जो हम 15-25 सितंबर को मनाते हैं? बताओ भाई, इसका आंसर किसी ने गलत किया तो समझ लेना बहुत गड़बड़ बात है। क्या उत्तर होगा, सर्वोदय दिवस, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस, अंत्योदय दिवस या सद्भावना दिवस? बताइएगा क्या उत्तर होगा। इन चारों में किस नाम से जान बनाते हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय को? सबको पता है अंत्योदय दिवस। क्या भाई? अंत्योदय दिवस, ध्यान रखिएगा। कौन सा? अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में आप जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जलमार्ग, एक जगह कांडला जलमार्ग का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कहां है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जहां से विश्व में हम व्यापार करते हैं, जिसका नाम गुजरात में है कांडला बंदरगाह, उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर मोदी जी ने रखा है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखने के बजाय मैं मुंह से ही आज बोल दे रहा हूं सारा आंसर। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम निम्नलिखित में किस देश में है? बताइएगा किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में इतिहास में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है ना अपने नाम किया है? वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या इंग्लैंड है? इन चारों में क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइएगा। बताओ गुरु क्या उत्तर होगा। 3000 छक्के लगाने वाली टीम, 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? बताओ एकदम, इसमें गलत कर दिए तुम लोग तो ध्यान रखना। भारत में जो बच्चा क्रिकेट के बारे में नहीं जानता है, आम आदमी उसको देशद्रोही समझता है, क्या उत्तर होगा भाई? ध्यान रखना, वो इंडिया ही है। इंडिया के पास रिकॉर्ड है वनडे में 3000 छक्के लगाने वाली एकमात्र विश्व की क्रिकेट टीम जो भारत है। आजकल बेहतर से बेहतर क्या कर रही है भाई, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस, एक से एक टीम का रिकॉर्ड तोड़ रही है भारत की टीम। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में संपन्न, ग्रेटर नोएडा के, ध्यान से सुनो, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट इंटरनेशनल सर्किट में संपन्न 2023 मोटो जीपी सीजन के तहत आयोजित भारत के पहले इंडिया ग्रैंड पिक्स मोटरसाइकिल, देखो ध्यान से, मोटरसाइकिल, इंडियन ग्रैंड पिक्स मोटरसाइकिल रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? जॉर्ज मार्टिन, फ्रांसिस्का बगानिया, मार्को बेजेंची या फेबियो कार्तोरा? बता दो भाई। पिक्स मोटरसाइकिल रेस जो कहां हुआ, नोएडा में हुआ है, ध्यान रखना। उसके विनर कौन है, विजेता कौन है, नाम बताओ, क्या होगा भाई, नाम बताओ, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि इंडिया में हुआ है, और इंडिया में जो होते हैं, इंडिया में जो सब कॉन्टेस्ट होते हैं, उससे प्रश्न बने ना बने ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बनता है हमेशा, ध्यान रखना। इसका उत्तर होगा मार्को बेजेंची। क्या होगा? मार्को बेजेंची, नोएडा में हुआ है मोटो जीपी सीजन के तहत, इसको है ना बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में स्थापना कराया, इस आयोजन को कराया गया 2023 का, जिसमें मोटरसाइकिल रेस था, और उस मोटरसाइकिल रेस में जीतने वाले जो हैं उनका नाम है मार्को बेजेंची। क्या नाम है भाई? मार्को बेजेंची। चलो अगला प्रश्न देखो। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रत्येक दिन कौन सा दिवस मना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ना अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाते हैं उन्मूलन के लिए, वो कौन से तिथि को मनाते हैं? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर? बताओ क्या उत्तर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, और गुरु देखो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ दिवस वाला, इसको तो स्पेशली रट जाइएगा देख के, टिक मार मार के, क्योंकि दिवस वाले प्रश्न एक से दो आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। और मैं कह रहा हूँ कहीं से कंटेंट मत पढ़िए, करंट अफेयर सिर्फ आप हमारे लाइव सेशन को फॉलो कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। क्या होगा? 26 सितंबर, ध्यान रखिएगा 26 सितंबर, जो आपके काम लायक है, मैं वही कंटेंट दे रहा हूँ, अदरवाइज आई रिमूव द अनदर कंटेंट विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज कंसीडर द माई कंटेंट एंड डू, क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखेंगे, और सेशन को सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नदियों के महत्व को रेखांकित करने, नदियों के महत्व को रेखांकित करने और सार्वजनिक जागरूकता और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है कब से कब तक? वर्ल्ड रिवर्स डे कब से? सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दीजिए। अच्छा, करंट अफेयर्स का तो अलग बना ही देंगे, बताइएगा। सब्जेक्ट विश्व नदी दिवस वर्ल्ड रिवर्स डे कब से कब मनाया जाता है? सितंबर के प्रथम रविवार को, सितंबर के द्वितीय रविवार को, सितंबर के तृतीय रविवार को, सितंबर के चतुर्थ रविवार को, बताएंगे क्या उत्तर होगा। कब मनाया जाता है, हमने आपसे यही पूछा है कि कौन से रविवार को, मतलब सितंबर के कौन से रविवार को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? तो ध्यान रखिएगा, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड, एक सेकंड, वर्ल्ड रिवर्स डे, ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर होगा सितंबर के चतुर्थ रविवार को। किसको? सितंबर के चतुर्थ रविवार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोगों ने कहा 50 क्वेश्चन करने के लिए, मैं 50 करा रहा हूँ, है ना। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि लगभग 750 लोग देख रहे हैं, 560 लाइक है, ये तुरंत 750 कर दीजिए आप लोग। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना वार्षिक अभ्यास, जानते हैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत और अमेरिका सेना के बीच में जो एक्सरसाइज होता है ईयरली, है ना, जिसका नाम एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 और 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक निम्नलिखित में से कहां आयोजित हुई? तीन क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये बनेगा, भारत और अमेरिका, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच जो वार्षिक अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023। दूसरा, कब से कब तक हुआ? तो आंसर हो जाएगा 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। तीसरा, कहां हुआ था, ये भी प्रश्न बनेगा, अलास्का, अंडमान निकोबार, हवाई द्वीप या फ्लोरिडा। तीन चार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन से बन जाएगा, तीन चार क्वेश्चन यहीं से ड्रॉ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच अलास्का में हुआ था। कहाँ पे भाई? अलास्का में, ध्यान रखेंगे, अलास्का में हुआ था, ठीक है। इन सबको ऐसे जैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना भी सीख लीजिए आप लोग, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अमेरिका बीच कब से हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, डेट भी ज़्यादा पूछता है ना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया? ओम नमः शिवाय, बताइएगा विश्व शिक्षक दिवस कब से कब मनाया जाता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। आप जानते हैं शिक्षक दिवस के बारे में आप जानते होंगे, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है जी? 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, जल्दी बताइए भाई। शिक्षकों के बारे में आप जानते होंगे, किसके बारे में मनाया जाता है बताइए, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है बताएंगे। बहुत हार्ड लग रहा है सर, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर उठा के पूछ ले रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जस्ट आपको, इसलिए तो मैं स्टैंडर्ड मैं किस लिए हूँ, इसलिए ना कि आपको वैसा कंटेंट दूँ जो आपके एग्जाम में आया। तो जस्ट यू, और मैं देखता हूँ करंट अफेयर के क्लासेस बहुत कम लोग देखते हैं, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू। आप जानते हैं 6 to 8 है, 9th 10th है, 11th 12th है। आप यदि अच्छे से करेंगे ना, तो हमारा सारा सिर्फ लाइव सेशन डेली एक एक घंटा देंगे, तो आपका 8 नंबर मैं फिक्स करा दूंगा, ये प्रोमिस है मेरा। आई प्रोमिस यू कि 8 नंबर आपका मैच कर जाएगा। क्या उत्तर होगा इसका? 5 अक्टूबर, आप सब जानते हैं 5 अक्टूबर को विश्व, इसके बारे में नहीं बताना होगा, हमें लगता है सब जानते होंगे राधा कृष्णन जी के बारे में, उन्हीं के जन्मदिवस के, है ना, 5 सितंबर इन इंडिया, 5 सितंबर, बहुत बढ़िया राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबका उत्तर आना स्टार्ट हो गया है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। आप जानते हैं अभी रिसेंटली का ये क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, है ना। वो किस देश से संबंधित है? कतर, ईरान, इराक, पाकिस्तान। और बेसिकली ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, महिलाओं की शिक्षा को एम्पावर करने के लिए इन्होंने, नरगिस मोहम्मदी ने जेल में रहते हुए भी काम किया है, इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया है। इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, है ना, बताइएगा, बताएंगे क्या उत्तर होगा इसका? कतर, ईरान, इराक, पाकिस्तान, क्या आंसर होगा? कहाँ की है ये? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा ईरान, ईरान की है नरगिस मोहम्मदी, है ना। नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला है भाई? तो ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। बेसिकली उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत, महिलाओं को लिटरेट करना, महिलाओं को एम्पावरमेंट देना, महिलाओं को सही बताना, कि आप लोग इसके पक्ष में मत पड़िए, ईरान की है और जेल में बंद किया गया था इनको, उसके बावजूद भी इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, जितने लोग हमें देख रहे हैं अभी लाइव में,
ये बताइए मेरे सभी सेशंस को कितने लोगों ने देखा है, कमेंट करके बताइए। तो देखिए मेरे जो करंट अफेयर के सेशन है इसको मत छोड़िएगा, इस रिदम को मत तोड़िएगा, जितना आपके एग्जाम तक मैं कराऊंगा उन सबको कर लीजिएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके लिए, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे मुझे क्या ही फायदा है खास। वैसे तो मैं आप PDF प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, और PDF प्रोवाइड कराने के बाद आपको जो है टेस्ट की तरह, जैसे टेस्ट की तरह, जैसे लास्ट में होगा ना 15 दिन के बाद, मैं पूरा एक टेस्ट की तरह 100 क्वेश्चंस बना के और डाल दूंगा उसी ग्रुप में जहां मैं बताऊंगा, वहां से आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट कर करके कि आप लोगों का कितना जो है कि कितना आप लोगों का सही हुआ और कितना गलत हुआ, रिविजन हो जाएगा आपका। हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन से देश में किया गया, हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी है ना कौन से देश ने किया, ब्राजील, भारत, चीन और इंडोनेशिया, बताइएगा। बिल्कुल आसान है, स्पीकर G20 के कौन थे आपको पता है, मोदी जी, यानी भारत ने किया है, भारत ने किया है, आपको पता है G20 सम्मेलन के लिए, G20 सम्मेलन से क्वेश्चन आएगा, दिल्ली में हुआ, आपको पता है दिल्ली में कई जगह पे G20 के लिए अलग अलग बहुत कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, नई नई तैयारियां की गई, आप जानते होंगे इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, जापान, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया, बताएंगे क्या उत्तर होगा। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, जापान, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया, बताएंगे क्या उत्तर होगा, बताइए क्या आंसर होगा जी, क्या आंसर होगा, किसको एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के रूप में ध्यान रखेंगे, ये भी भारत है, भारत ये भी है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, इसके बाद मेरा SST का सेशन आने वाला है। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है, जल्दी बताइएगा, AIBD का तीसरा बार अध्यक्ष किसको चुना गया है, जल्दी से बताइए, AIBD का अध्यक्ष, ये भी भारत के नाम ही है, ये भी भारत के नाम ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से 50 कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, 6.20, 6.50, 6.25 और 7.25, बताइएगा क्या उत्तर होगा। रेपो रेट ध्यान रखेंगे, हर 2 महीने पे आता है और अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, रेपो रेट बदलता रहता है, अभी 6.50 है, इतना ही पे स्टेबल रखा है किसने, RBI ने, RBI हर 2 महीने पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, और क्या CRR कैश रिजर्व रेशियो और क्या बैंक रेट, ये सब घोषित करता है हर 2 महीने पर। चलिए भारत में मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन सब को पब्लिश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहां प्राप्त हुई है, हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम कहां से प्राप्त हुई है, के लिए रूसी यूरेनियम, यानी रूसी, रूस के यूरेनियम, रूस का यूरेनियम जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है, किस देश ने दिया है, जर्मनी, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से क्या उत्तर होगा, ध्यान देना गुरु, वो रूपपुर बांग्लादेश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 महाशक्तिशाली परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है, अमेरिका, रूस, यूके, UAE, जल्दी बताइएगा, आजकल मिसाइलों का दौर खूब चल रहा है, बताएंगे क्या उत्तर होगा, किसने बनाया है, बताओ भाई, परमाणु ऊर्जा मिसाइल 7 किसने बनाया है, ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर, मिसाइल बनाने में अभी कौन सबसे आगे चल रहा है यूक्रेन के खिलाफ, वो है रूस, रूसी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं गुरु, देखिए हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वोल्कन 2020, लेजर तो आप जानते होंगे, लेजर वोल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है, अमेरिका, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन, बताइए, लेजर 2020 जिसका नाम वोल्कन 2020 है, लेजर से संबंधित है, कौन बना रहा है, तो ब्रिटेन, इसको रूस नहीं होगा, वोल्कन 2020, जल्दी सुन लो किसने, ब्रिटेन ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहचान, पहली हाई स्पीड रेलवे हुस का उद्घाटन किया है, पहली हाई स्पीड रेलवे हुस है ना उसका नाम रखा गया है, उद्घाटन किया है, याद रखेंगे, इंडोनेशिया, किसने भाई, इंडोनेशिया ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 बोला है, 50 करा देते हैं आपको जल्दी जल्दी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का कौन से राज्य में? दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। जल्दी बताओ, प्रधानमंत्री ने किया है। जल्दी बताओ भाई, कौन से राज्य में किया है? ध्यान रखिए, इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने क्या किया है? हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। समझ गए? 48 क्वेश्चन ही आज मैं करा रहा हूं। इसके साथ इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आ जाइएगा इस पे। एक चैनल है जिसका नाम है मिशन 50, मिशन 50 आईएएस है शायद, एक सेकंड बताता हूं मैं। मिशन 50 है ना, मिशन 50 आईएएस होगा या हरा कलर का लोगो लगा होगा, मिशन 50 आईएएस। ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम का ये चैनल है, इसको आके आप ज्वाइन कर लेंगे तुरंत, आपको वहां से इसका पीडीएफ अभी के अभी मिल जाएगा। अभी 10 मिनट के बाद उस पर पीडीएफ मिल जाएगा, तुरंत अभी ज्वाइन करिए। अभी यहां से जाइए और जा करके मिशन 50 आईएएस को ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत आपको मिल जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूं, यही नाम है ना, टेलीग्राम, मिशन 50 आईएएस को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। मिशन 50, हाँ सिर्फ मिशन 50 है, नॉट आईएएस, मिशन 50 है, ध्यान देंगे, मिशन 50 है, ये यही चैनल है मिशन 50, ध्यान रखेंगे। ये लोगो है, इसका लोगो ये है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा फ़ोन में शायद, ये वाला लोगो है मिशन 50 आईएएस का, इसको आप जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। चलिए, और उसके साथ साथ इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहेंगे, तुरंत मेरा सेशन आ रहा है इसी चैनल पे, SST का मैं सेशन लेके तुरंत आ रहा हूँ, जो NCERT बेस्ड होता है। तुरंत 10 मिनट में मैं उतरूंगा और उतर के तुरंत 5 मिनट बाद ये सेशन स्टार्ट कर दूंगा। SST का सेशन 1.5 घंटा चलेगा, ध्यान रखेंगे, इसमें आना नहीं भूलेंगे। तब तक आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं PDF 5 मिनट में भिजवा के उसके बाद फिर इस चैनल पे लाइव आऊंगा। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं 5 से 10 मिनट बाद।